हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है प्राइमल फियर की एक और नई वीडियो में। एंड गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो में अपन ने इंडोम की अपनी आर्मी रेडी की थी, बट यार आर्मी को रेडी करने के चक्कर में अपना पेगासस शहीद हो गया था, फोरन पेगासस। कोई नहीं, बट मैं उसको वापस एक और टेम कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेगासस की तो बहुत स्पोन होता है पेगासस, बट आज की वीडियो में अपन पता है एक खास डाइनो को टेम करने वाले हैं, उस डाइनो को जिसके ये आप कमेंट्स में मेरे को बोल रहे थे काफ़ी बार। आज की वीडियो में अपन पकड़ने वाले हैं अपेक्स गीगा को। लकीली एक गीगा स्पोन हुआ है, एंड वो भी मैक्स लेवल का स्पोन हुआ है। वो भाई काफ़ी टाइम वेट करने के बाद स्पोन हुआ है ये। एंड मेरे को पता है इसके लिए 3-4 बार डाइनो वाइपआउट भी करना पड़ा था, जितने भी डाइनोस रहते सबको मारना पड़ा था वाइल्ड डाइनोज को, एंड तब जाके ये स्पोन हुआ है। तो भाई काफ़ी लकी अपन ये स्पोन हो गया, पता मेरे को तो लगा नहीं था ये स्पोन भी होगा, बट फाइनली ये स्पोन हो गया है। तो टेम करेंगे अपन आज की वीडियो में इसको, एंड मैक्स लेवल है। सबसे अच्छी बात यह गाइज कि मैक्स लेवल है। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको एक ये मारना है, ओरिजिन वाला मारना है, क्योंकि गाइज इसका टोपो बहुत ज़्यादा रहता है। ये उधर क्यों जा रहा है भाई? लग जाए तो मज़ा आ जाएगा मेरे को। लग गया, नाइस गाइज, जी जी लग गया इसको। एंड मेरे को क्या करना है, मेरे को अब इस पे चढ़ना है। मैं इसको अपने ऊपर एग्रो रखूँगा, बस ये गायब ना हो जाए कहीं पे, ग्लिचअप ना हो जाए। मेरे को इसी चीज़ की दिक्कत है भाई, अगर ये ग्लिचअप हो गया तो दिक्कत हो जाएगी अपने को। इसका हेल्थ इतना नीचे क्यों जा रहा है भाई? हेल्थ इतना नीचे क्यों जा रहा है इसका? आई डोंट नो वाई, बट इसका हेल्थ बहुत नीचे चला गया भाई। हेल्थ इतना नीचे नहीं जाता वैसे। मेटल स्टेस 7 किबल लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 7 किबल। वैसे टेमिंग इफेक्टिवनेस 100% है, नाइस। खा गया यार इतनी बहुत जल्दी खा गया ये, हो जाएगा अब ये टेम, नाइस। तो फाइनली गाइज अपने पास एक आ गया है अपेक्स गीगा। इक्टली भाई बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा मेरे को इसके लिए, अपेक्स गीगा के लिए। एंड उधर ही स्पोन हुआ है, देखो जब स्टार्टिंग में अपन ने सीरीज स्टार्ट की ना तब भी इधर ही स्पोन हुआ था अपेक्स गीगा। इधर अपेक्स स्पोन हुआ था अपना, एंड इधर पीछे एक अल्फा स्पोन हुआ था। तो उस टाइम पे अपने पास रिसोर्सेज नहीं थे इसको टेम करने के लिए, बट मैं इधर घूम रहा था क्योंकि मैं वैसे ही जो अपना स्पिरिट वाइवन है ना, इसको इधर एक स्पिरिट वाइवन है पीछे, इधर ये दिख रहे जो हमने क्रिस्टल्स जो दिख रहे हैं ना आपको, इधर वाइवंस की केव है, तो इसके अंदर स्पिरिट वाइवन था, मैं उसको देख रहा था। तो तभी मेरी नज़र ना इस पे आ गई गीगा पे, ये घूम रहा था इधर। मैं यार इसको तो पकड़ेंगे फिर, एंड ये 900 लेवल का था, ये सबसे अच्छी बात है, मैक्स लेवल का था ये। तो अभी मैं काम करता हूँ, अपना जो मेन बेस है ना उस पे चलता हूँ, एंड थोड़ा बहुत इसकी सैडल वगैरह बनाते हैं अपन, इसका डैमेज भी चेक करना मेरे को कितना डैमेज है। HQ पे चलते हैं अभी भाई। फाइनली बहुत ज़्यादा पेशेंस करना पड़ा है मेरे को इसको पकड़ने के लिए, काफ़ी टाइम से तो ये स्पोन भी नहीं हुआ था, एंड इसको स्पोन करने के लिए भी गाइज मेरे को काफ़ी बार डाइनो वाइप आउट वगैरह करना पड़ा है। तो काफ़ी पेन भरा काम था भाई, इरिटेटिंग काम था काफ़ी। ये क्या टेलिकन, कौन सा टेलिकन है भाई इसमें? फायर टेलिकन रख लेता हूँ मैं इसको, क्या पता कहीं पे यूज़ होता हो, दैट्स व्हाई मैं रख रहा हूँ इन सभी चीज़ों को, वरना गाइज अपन को बाद में इनको फिर मारना पड़ता है। इससे अच्छा अभी अपन इनको स्टोर कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अभी अपने पास यार इनकी मैं पता नहीं क्या समस्या है इनकी सार्कों की, मैं इनको ऊपर रख चुका हूँ कई बार, बट ये ऐसे नीचे आ जाते हैं। अब ये नीचे है कि ऊपर है मेरे को खुद नहीं पता है, बट कोई नहीं, चलो इनको ऐसे ही टंगा रहने दो, अजीब ही नशे कर रखे हैं इन्होंने, क्या कर सकता। मेरे को सैडल बनानी है अपेक्स गीगा की, सैडल अपेक्स गीगा। नहीं वे ये गलत बता रहा है, मेरे को इसको हटाने दो एक बार। ओके अब देखते हैं, अब बता देगा ये अपेक्स गीगा। भाई सैडल नहीं बनती क्या? ओके एपेन लिख दिया ना मैंने, अपेक्स गीगा। क्या चाहिए इसके लिए? सब कुछ अपने पास, ये बन गई सैडल, नाइस।
एंड इसको करप्टेड भी करेंगे अपन भाई। करप्टेड करे बगैर मज़ा थोड़ी ना आता है। गीगा एंड गीगा को करप्टेड ना करे तो मज़ा नहीं आता, तो करप्टेड तो करेंगे गाइज अपन इसको गीगा को। अभी मैं बाकी की कीबल्स रख देता हूँ पहले, क्योंकि फालतू में इनका स्वल टाइम बढ़ रहा है अपनी इन्वेंट्री में। तो मेरे को चाहिए एक मैक्स पोशन चाहिए मेरे को, और एक ये चाहिए मेरे को ग्रोन अप पेस्ट। एंड अभी देखते हैं क्या बवाल मिलता है अपने को, आई मीन क्या मिलता, आउटपुट क्या मिलता है अपने को। इधर तो अपने ये डायनोसर सभी के सभी ओके। इधर कुछ सब ये स्पॉन हो गया था ना, इसे ये सब इधर आ गए हैं, तो मेरे को इनको पीछे करना पड़ेगा वापस। भाई इधर आ जाओ पीछे वापस, इससे मैं एक बार सडल निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जो दूसरा वाला अपना नॉर्मल है ना ड्रैगन, उसको सडल बना के इधर जाना पड़ेगा। भाई तू फायर पावर डाउन कर ले, ठीक है। अभी इसको मैं पीछे लेके आता हूँ ड्रैगन को सडल ओके। मूवमेंट स्पीड बढ़िया है गाइस, कुछ भी बोलो, ड्रैगन की ना मूवमेंट स्पीड बहुत ज़बरदस्त है इसकी, ड्रैगन की। अभी तक मैंने सच्चाई से बोल रहा हूँ, मैंने एक भी पॉइंट नहीं लगाया था इसकी क्या हिल क्यों रहा है, कोई पीछे आ रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं आ रहा है। अभी तक मैंने एक भी पॉइंट नहीं लगाया था इसकी मूवमेंट स्पीड में, इसकी मूवमेंट स्पीड लिटरली बहुत बढ़िया है। इसकी थोड़ी सी कम है, अल्फा जो ड्रैगन है ना इसकी थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड कम है, बट जो नॉर्मल ड्रैगन है गाइज उसकी बहुत ज़्यादा है मूवमेंट स्पीड। अरे सभी इधर आ गए हैं, एंड मैं एग का देख लेता हूँ, कोई एग वगैरह आ रहे होंगे ना, एग आने चाहिए अपने पास। हाँ नॉर्मल बॉस एग आ रहे हैं, क्योंकि अल्फा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक अल्फा एंड ये भी मेल है अपने पास, दैट्स वाई बॉस एग नहीं आ रहा है अपने पास एक बार एक भी अभी। बट कोई नहीं, मैं देखता हूँ फीमेल बो अल्फा ड्रैगन पकड़े जाएंगे अपन। वो क्या उधर वैक्स ओके। अपने को एक टेस्टिंग सब्जेक्ट मिल गया, देखो गाइस हेट ऑफ द हेवन, कमोन गीगा कितना लेवल है इसका भाई है, 1349 लेवल है इसका, तो काफ़ी अच्छा लेवल है। एंड लेट्स सी कितना डैमेज देता है ये, हेल्थ फुल है इसकी हेल्थ है। अभी देखो इसकी डिफॉल्ट हेल्थ है 35 मिलियन की। हेल्थ पे मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं डालूंगा इसकी, पहले ही बता देता हूँ गाइस, मैं मैक्सिमम 10 पॉइंट डालूंगा मैं इसकी हेल्थ पे, डैमेज बढ़ाने वाला हूँ मैं इसका। अभी ये देता है गाइस डैमेज 1,66,000 का, ज़्यादा नहीं दे रहा मेरे को पता है, पर ठीक है इसके लिए ठीक है। एंड गाइस इसके लिए एक बढ़िया सा बैड एस नेम सजेस्ट कर देना मेरे को, एकदम लिटरली बैड एस होना चाहिए नेम, खतरनाक टाइप का होना चाहिए नेम, ठीक है, मस्त सा नेम सजेस्ट करना मेरे को इसके लिए। एंड अभी मैं देता हूँ इसको एक मैक्स पोशन ओके। अभी मैं 88 थे ना, किसी ने मेरे को डैमेज दिया भाई, ये बहुत खतरनाक रहते हैं हाइना डोन, सब भाग रहे हैं, भागने कौन देगा तुमको, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ इसके लेवल्स, बस देखो 8 लेवल लगाया मैंने इसकी हेल्थ में। एंड मैं आपको इसकी हेल्थ दिखा देता हूँ कितनी हो गई है हेल्थ इसकी, इसकी हेल्थ अभी पहुँच गई है 133 मिलियन की, बस मैंने 8 लेवल लगाए हैं गाइस इसकी हेल्थ में, 8 से ज़्यादा लेवल नहीं लगाए हैं, सब लेवल मेले में लगाएंगे अपन अभी। अब मेरे को ये देखना है इसका मेले कितना देता है ये, भाई अच्छा खासा मेले देना चाहिए इसको, क्योंकि यार होप है मेरे को इससे काफ़ी। आप कई आप लोग बोल रहे थे कि गीगा बढ़िया मेले देता है एपेक्स गीगा, तो देखते हैं कितना देता है ये मेले। अब देखता हूँ मैं कितना, चलो मैं फाइनली इसको ग्रोनो वाला भी पेस्ट दे देता हूँ एंड देखते कितना देता है ये मेले ओके। 160 मिलियन की हेल्थ है अभी तक की, सबसे हाईएस्ट हेल्थ है इसकी, सब अभी तक की सबसे हाईएस्ट हेल्थ है इसकी। एंड 160K मेले डैमेज है इसका भाई, हेल्थ बहुत है इसकी, मजाक से हट के बहुत ज़्यादा हेल्थ है इसकी भाई। अभी ये 25 मिलियन का डैमेज दे रहा है, वाइट क्लिक से वो सी से कोई अटैक नहीं, एक्स से कोई अटैक नहीं, इसका एक ही अटैक है बाइट का अटैक, ठीक ही दे रहा है। देखो गाइस 25 मिलियन का दे रहा है,
कम नहीं दे रहा ज़्यादा। देखो एपेक्स सही है, कोई सजेस्टिव वगैरह नहीं है, बट मैं उम्मीद कर रहा था यहाँ एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा दे, थोड़ा ज़्यादा देता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बट ठीक है, 25 मिलियन का भी गाइस नॉट बैड। अभी करप्टेड करके देखते हैं इसको, करप्टेड करेंगे तो पता चलेगा यार फाइनल कितना देता है ये। मैजे 25 मिलियन का दे रहा है, देखो नॉर्मल। तो ये देखो अपने आप में कम नहीं है 25 मिलियन का, क्योंकि ये कोई सजेस्टियल नहीं है, पावर अप नहीं रहता इसका। 25 मिलियन बहुत है भाई डैमेज वैसे तो, क्योंकि हाई तो बहुत ज़्यादा है इसकी। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको करप्टेड करते हैं, ठीक है। अभी करते हैं भाई, भाई तेरे को करप्टेड। या मैंने इसकी हेल्थ में ज़्यादा पॉइंट लगा दिए, देखो 8 ही पॉइंट लगाए थे मैंने। क्या बोल रहा हूँ मैं, वैसे मैंने इसकी हेल्थ में ना 8 ही पॉइंट लगाए थे, ज़्यादा पॉइंट नहीं लगाए थे। 88 थे इसके पॉइंट, तो 80 मैंने मेले में लगाए हैं एंड 8 पॉइंट मैंने इसकी उसमें लगाए हैं हेल्थ में। हेल्थ बहुत बढ़िया है इसकी, बोलना पड़ेगा मेरे को। एंड अभी करप्टेड वाला बना रखा, वैसे मैंने करप्टेड नूडल्स है देखो ये बना रखा है, करप्टेड स्पोर क्लस्टर ये लगता है अपने को। एंड ये करप्टेड नूडल से बनता है, वैसे अपन एक और बना सकते हैं बट नीड नहीं है अपने को बनाने की। देखते हैं कितना इंक्रीमेंट होता है भाई इसके मेले में। देखो बिलियन का डैमेज तो नहीं देगा ये, क्योंकि भाई इतनी मैंने जो सेटिंग्स रहती है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ा नहीं रखी है कि डाइनो बिलियंस में डैमेज दे। जो ऑफिशियल अपने जो सर्वर रहते हैं ना, ऑफिशियल सर्वर रहते हैं, उससे हल्का सा ज़्यादा कर रखा है मैंने सेटिंग्स को, एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं बढ़ा रखा गाइस जिसको मैंने, कि एकदम बिलियंस 100,000,000,000 का डैमेज देगा गीगा, इतना नहीं कर रखा मैंने सेटिंग को। फिर वो यार बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर ये 1 बिलियन का डैमेज देगा। सोच के देखो तो बॉस फाइट से अपन को मज़ा कैसे आएगा, बॉस फाइट में स्ट्रगल कैसे होगा अपना बॉस फाइट में। और जब तक भाई स्ट्रगल नहीं करता ना बंदा, तो उसको सक्सेस में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने ज़्यादा बढ़ाई नहीं है सेटिंग्स। पहले मैं सडन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत देखा है इसके बारे में, चेक कर रहा था तो मेरे को पता चला अगर इसको आप करते हो कुछ भी तो सडन निकाल के करना, वरना सडन गायब हो जाएगी। हेयर वी गो गाइस, आई थिंक इधर से होता ही, हाँ इधर से ही होता करप्टेड डाइनो। तो सुबह हो गई है, देखता हूँ मैं कितना टाइम हो गया भाई, सुबह हो गई है। वैसे सूरज निकल गया है, सूरज नहीं निकला अभी यार, निकल गया देखो उधर, जैसे रोशनी तो हो रही है, देखो सूरज निकल चुका है, वैसे दिख नहीं रहा अपने को बट ये देखो रोशनी से सूरज निकल चुका है। एंड सूरज के निकलते ही ये करप्टेड में कन्वर्ट होने वाला है, तो 3, 2, 1 लेट्स गो। जी, गाइस ये हो गया करप्टेड, एकदम मस्त लग रहा है। हेल्थ सेम है इसकी, ओके। अब मेरे को डैमेज देखना है, कुछ डैमेज बढ़ता है इसका, बढ़ना तो चाहिए यार। ओके तो अभी इम्प्रिंटिंग गायब नहीं हुई है इसकी, ये अच्छी बात है कि मेरे को इम्प्रिंटिंग एज इट इज है। अब देखते हैं कितना देता है ये डैमेज, कितना इंक्रीमेंट मिलता है अपने को डैमेज में। डैम भाई बहुत ज़्यादा दे रहा है ये, 193 मिलियन भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है ये, अपेक्स होके बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है ये, जितना ये बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है ये। इतना तो यार सजेस्टियल देते हैं डैमेज, 193 मिलियन भाई। अगर मैं इसका हेल्थ में देखो गाइस एक भी पॉइंट ना लगाता ना, तो कंफर्म ये 200 मिलियन का डैमेज देता, जितना मेरे को यकीन है 200 मिलियन का डैमेज ये कंफर्म देता इस हिसाब से। तो मेरे पास एक आइडिया आया, पता है क्या, इसकी ना मैं एक फाइट करा के देखता हूँ ओरिजिन वैक्स से। मेरे हिसाब से देखो ये 2 से 3 बाइट में मार देगा ओरिजिन वैक्स को, बट फिर भी फाइट लेके देखते हैं भाई। काफ़ी बढ़िया डील है गीगा की, क्योंकि सजेस्टियल नहीं है ये कोई भी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कोई सजेस्टियल नहीं है, एंड भाई सजेस्टियल ना होने की वजह से इतना डैमेज दे रहा है। एंड अगर इसको मैं सोच के देखो, अगर मेट बूस्ट मिलता है इसको, अगर मेरे पास फीमेल करप्टेड गीगा, मेरे को फीमेल गीगा स्पॉन होता ना,
उम्मीद तो देखो गाइस बहुत कम है दूसरा गीगा स्पोन होने की, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल से स्पोन हुआ है। एंड अगर कोई फीमेल गीगा स्पोन होता है एंड उसको भी अगर मैं क्विप्टिड बनाता हूँ एंड इसको मेड बूस्ट मिलता है, तो ऑलमोस्ट इसका मैया डैमेज डबल हो जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है ये आपको गाइस, मेरे को लग रहा है कम लग रहा होगा इसका डैमेज, क्योंकि आप मेरे को बोल रहे थे कमेंट्स में कि गीगा बिलियंस में डैमेज देता है, बट मेरे को पता गाइस ये कितना डैमेज दे रहा है। जो मैंने सेटिंग्स की हुई है ना मेजर डैमेज की, जो अपनी सेटिंग्स रहती है सिंगल प्लेयर वर्ल्ड की, जिन जो मैंने सेटिंग किया उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है, क्योंकि मैंने सेटिंग्स इतनी नहीं की है। अगर मैं इसकी सेटिंग्स बिल्कुल बढ़िया कर दूँ ना, ज़्यादा बड़ा बड़ा बढ़ा दूँ सभी डाइनो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसकी जो ओवरऑल सभी सेटिंग्स रहती है अगर सबको मैं बढ़ा दूँ ना, तो भाई ये कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ 1 बिलियन के अराउंड डैमेज पहुँचा देगा। मेरे को पता है इसका, जितनी मैंने सेटिंग कम कर रखी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज दे रहा है। मोस्टो पैगा ओके, तो मेरे को क्या करना था, मेरे को करना क्या था, हाँ मेरे को वो बनाना था अपना ओरिजिन वैक्स समनर। भाई वो नहीं है अपने पास, वो क्या आर्टिफैक्ट, तो मेरे को आर्टिफैक्ट लेने जाना पड़ेगा। चलते फिर आर्टिफैक्ट लेने, एंड आर्टिफैक्ट लेके आता हूँ अभी। एंड भाई लिटरली इनसेंट डैमेज देता है ये, कुछ भी बोलो इनसेंट देता है। देखो अब इसको मैं पैरासोर से कंपेयर नहीं करूँगा भाई, पैरासोर एक डिमोनिक क्रिएचर है, वो तो बैड ऐस है पैरासोर, तो उसका तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है भाई पैरासोर का तो। बट ये देखो ना, ये एक एपेक्स है, कोई सजेस्टेड नहीं है, एपेक्स है। एंड उसके बाद भी देखो कितना डैमेज दे रहा है ये भाई, अराउंड 200 मिलियन का डैमेज थोड़ा नहीं रहता। बोसिस के अलावा किसी की भी हेल्थ नहीं रहती, एंड बोसिस से भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ इसकी देखो ना, खुद की हेल्थ कितनी है, 200 मिलियन की इसकी हेल्थ है, जितनी हेल्थ है उतना ये डैमेज देता है भाई, इनसेन डैमेज देता है ये, कुछ भी बोलो। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये, बिलियन का डैमेज ना दे बट एकदम भाई बढ़िया है ये, कलेक्शन में होना चाहिए भाई गीगा तो इसका मतलब एक। ओके अब बन जाएगा आई थिंक सो एक समन्वय Tier 2, सबसे हाईएस्ट इसमें यही रहता है अपना वैक्स, ओरिजिन वैक्स, इसको मैं बनाता हूँ समन करता हूँ। मेरे को लग रहा है इजी पीजी पेज देगा गीगा वैक्स को, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी। ओके देन अभी चलते हैं अपन। एंड गाइज मैंने तैयारी कर ली है सभी, जितने भी अपने को तैयारी करनी पड़ रही है ना सभी तैयारी हो गई है, एंड थोड़ी बहुत तैयारी बची है मैं ऑफलाइन कर लूँगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में सीधा अपन करेंगे नोवा द डिस्ट्रॉयर के साथ बॉस बैटल, सोच रखा मैंने, अपन रेडी हैं नोवा द डिस्ट्रॉयर के लिए। थोड़ी बहुत तैयारी बची है, मेरे को एक दो स्पीड वाइवन और पकड़ने हैं, एंड पैरासोल है अपने पास ऑलरेडी, एंड जैसे ही नोवा द डिस्ट्रॉयर को अपन डिफीट करें ना, उससे अपने को डाइनो असेंडेंट मिलता है, एक डिमोनिक डाइनो असेंडेंट मिलता है। मेरे को पता है इतना तो, इतना नूब नहीं है अपन, इतना टाइम हो गया इसको खेलते हुए तो इतनी तो नॉलेज हो गई है, एंड इससे मैं पैरासोर को असेंड करूँगा। इधर वैसे ओमेगा तो नहीं है, चलो समन करता हूँ मैं फिर ओरिजिन वाले वैक्स को। आ जा भाई वैक्स, दो तीन गोन, भाई बहुत तेजी पीजी मार दिया। एंड इसकी खुद की हाइट कितनी गई है ये देखो, कुछ भी हाइट नहीं गई है, 160 मिलियन की हाइट है इसकी, डेड बाय डे राइट। भाई मस्त है एकदम, ये बीस्ट है, लिटरली बीस्ट है ये। अगर इसमें पता है पावर अप का सिस्टम रहता है ना एपेक्स गीगा के अंदर, पावर अप करने का सिस्टम रहता है, तो वन ऑफ द ब्रोकन थिंग होता है ये, ब्रोकन होता है ये एकदम, ब्रोकन का मेरा मतलब ये है कि एकदम ओवर पावर्ड होता है ये, क्योंकि भाई पावर अप करते इसका डैमेज सीधा डबल हो जाता है, ये 400 मिलियन के अराउंड डैमेज देता फिर। वो क्या है फेबल्ड गाचा, गाचा का वैसे मेरे को पता नहीं है क्या काम आता है गाचा, गाइस मेरे को बताना कमेंट्स में वैसे गाचा क्या काम आता है, अपने को कोई आइडिया नहीं है मेरे को क्या किस चीज़ में यूज़ करते हैं अपन गाचा को, बट बता देना मेरे को कमेंट्स में। एंड इसका नेम जरूर सजेस्ट करना, इसका बॉय का बैडेस बॉय का नेम जरूर सजेस्ट करना मेरे को, अमेजिंग है एकदम ये। एंड भाई डाइनो अपने मर रहे हैं मेरे को पता है, बट अपन टेम कर लेंगे डाइनोज को, और डाइनो टेम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो।
पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा, एंड खाना खा लेता हूँ। एंड अभी पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, एक अल्फा ड्रैगन देखते हैं। एक अल्फा ड्रैगन अपने को टेम करना है वैसे तो, स्विफ्ट प्लस F8। मैं देखता हूँ कोई अल्फा ड्रैगन है तो आसपास अपने। ड्रैगन, अल्फा ड्रैगन भाई ये है 150 लेवल का, पास में ही है अपने। ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को, पास में ही अपने, बहुत पास में है ये। पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए अल्फा कीबल चाहिए भाई मेरे को। एंड अल्फा कीबल आई डोंट थिंक सो है अपने पास। रेफ्रिजरेटर किधर है? इधर है, मैं देखता हूँ एक बार। अल्फा कीबल नहीं है अपने पास, अल्फा बेसिक बोस कीबल है बट अल्फा बोस कीबल नहीं है अपने पास। सैड लाइफ, क्या लगता है अल्फा बोस कीबल की ये कंज्यूमेबल कीबल बोस भाई? इसके लिए अपने को लगेगा आर्टिफैक्ट लगेगा। ओके देखो सारा सामान है अपने पास बट आर्टिफैक्ट नहीं है। आर्टिफैक्ट के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, देखता हूँ मैं आर्टिफैक्ट आता है आया है कि नहीं उधर। अगर उधर आर्टिफैक्ट आ गया तो मैं आर्टिफैक्ट ले आऊँगा उधर से। मेरे को पता है केव के अंदर अपन टीपी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने जो अपना टेलीपोर्टर है ना वो केव के बाहर लगाया है। केव से बेस पे आ सकते बट बेस से अपन केव पे नहीं जा सकते वापस, पता नहीं अजीब लॉजिक है, इसलिए मैंने ये इधर बाहर लगा रखा है। अंदर अपने को जाना पड़ता है, क्या करें अभी इसके लिए। मे बी फाउंडेशन वगैरह लगा के करें तो हो सकता है बट आई डोंट नो। देखना मेरे को आर्टिफैक्ट आया है कि नहीं इधर। अगर इधर आर्टिफैक्ट नहीं आया तो अपने को दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। आर्टिफैक्ट लेने नहीं आया इधर तो मेरे को जाना पड़ेगा भाई दूसरी जगह पे। एंड उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बेस पे जाना पड़ेगा वापस। आज मैं आपको एक मस्त लोकेशन दिखाता हूँ। यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वैसे भी पता है, बट जो मैं आपको दिखाई देता हूँ पता चल जाएगा आपको HQ पे, तो फिर वीडियो में अपन ड्रैगन नहीं पकड़ पाएंगे बस, और तो कुछ नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस। ट्राई करूँगा मैं जल्दी से जो आर्टिफैक्ट की केव है उसको जल्दी से अपन रन करें, बट यार टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा। देखो तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले तो शॉटगन रखनी है हाथ में। शॉटगन किधर है, शॉटगन लगाओ क्योंकि उस केव में अपने को शॉटगन लगती है। रिलोड कर ले भाई शॉटगन को। एंड मैं एक्स्ट्रा सामान रख देता हूँ वापस जो अपने को नहीं चाहिए होता सामान। ओके और क्या रखना है इसमें, ये भी रखना है, बहुत सामान मिलता है अपने को भाई। ओके एंड ये चाहिए अपने को। आर्मर की तो गाइस मेरे पास कमी नहीं है, ये देखो कितने सारे आर्मर अपने पास, ओरिजिन आर्मर भर भर के इकट्ठा हो गए अपने पास। मेरे को तो खुद नहीं पता मैं इतने आर्मर्स का करूँगा क्या, क्योंकि अब क्रिएटर को डिफीट करेंगे तो अपने को, मैं सोचा हूँ पहले अपन क्रिएटर को डिफीट करें, ठीक है क्रिएटर को डिफीट करेंगे अपन पहले। एंड उससे अपने को क्रिएटर का जो टेक आर्मर रहता है ना वो मिल जाएगा, क्योंकि टेक आर्मर की अपने को नीड होती है काफ़ी। उससे उड़ने की आ जाएगी अपने पास एबिलिटी। ओके ब्लड को मैं इसमें रख देता हूँ। एंड एलिमेंट की तो अपने पास देखो गाइस कमी है नहीं, इसलिए मैं सोचा हूँ पहले अपन क्रिएटर को पहले एंड फिर देखते हैं बाकी चीज़ों को। तो अभी मैं काम करता हूँ आपको ना सीधा केव के एंट्रेंस पे मिलता हूँ, वरना गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इधर से थोड़ा सा दूर है वैसे वो केव, स्नो बायोम के अंदर आती है वो केव तो थोड़ा सा दूर है वो इधर से, इसलिए मैं सीधा आपको केव के एंट्रेंस पे मिलूँगा जाके, ठीक है। तो गाइस अभी अपन केव के एंट्रेंस के आगे आ गए हैं। एंड वैसे इधर ये क्यों ओवीजी नहीं, इसको मेरे को मारना पड़ेगा। देखो ये है केव का एंट्रेंस एंड इधर पड़ता है ये देखो, पर मैं एक बार इसको ओवीजिन को पहले देता हूँ फिर बताता हूँ गाइस आपको। ओके एंड अभी मैं इसको लेके आता हूँ। अब सभी अपने मौत के चपेटे में आ गए हैं। नाइस देखो सबसे बेस्ट तरीका ये स्पीड वाइवन का, अपना अटैक डालो एंड बैठ जाओ आराम से। ठीक है प्राइमल मेगा पिथिकस
नूब भाई नूब। एपेक्स बॉस ट्रिब्यूट। देखो अभी मैं टेम नहीं कर रहा था इसको, एंड मे बी मैं रिग्रेट करूँ इस चीज़ को कि मैंने इसको मारा, बट अभी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आर्टिफैक्ट लेने आया हूँ, तो आर्टिफैक्ट लेते अपन। देखो ये केव की एंट्रेंस है, एंड मैं आपको एक बार उधर इधर कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ केव के। ओके इसको मैं क्रायो कर देता हूँ। क्या मिला मेरे को, कुछ मिला इसमें खास? कुछ नहीं मिला वैसे तो, देखो सब कुछ वही है सेम। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बता देता हूँ। डेड कोऑर्डिनेट्स देखो ये आपको दिख रहे होंगे, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ मैं अभी, एंड मैप में इसकी लोकेशन देखो ये रहती है। मेरे पास अभी जीपीएस नहीं है, दैट्स वाई। बट 30.98 एटीट्यूड एंड 37.86 लॉन्गिट्यूड, क्योंकि जो ये ओसम स्पाइग्लास होता है ना ये ऊपर इधर अपने को कोऑर्डिनेट्स दिखाता है इधर, तो इस कोऑर्डिनेट्स पे रहती है ये केव की एंट्रेंस। आप इधर आके देख सकते हो। एंड शॉटगन लेके आना, रिकमेंडेड है शॉटगन, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों रिकमेंडेड है। तो अभी केव की एंट्रेंस है, मैं जल्दी से वो रन करता हूँ केव को, एंड मैं बोलूँगा नहीं बीच में माइक, जिधर जिधर इंपॉर्टेंट हो गए ना उधर उधर करूँगा, एंड मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा इसको केव को। तो देखते हैं चलो। आई थिंक सो अपने, नहीं नहीं बिना डाइनो के हो गया, तो ऐसे आ सकते हो आपको उधर से। देखो इस पे जंप करना पड़ेगा, ये मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। इधर से आओगे ना आप, जैसे आपको आके इधर इस पे जंप करना पड़ेगा, एंड ऐसे आप अंदर जा सकते हो, ठीक है? तो अभी इधर से मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को, एंड जहाँ पर इंपॉर्टेंट नीड होगी उधर मैं आपको बता दूंगा। ये देखो ऐसे आपको इधर डाइनोज मिलेंगे, तो उनको मारने के लिए आपको शॉटगन लगेगी। देखो इधर ये रास्ता ऐसे बंद रहता है, अगर इधर रास्ते में जाओगे तो आपको ये बंद मिलेगा इधर से, तो इधर मत आना, इधर जाना अपने को। बट पता नहीं क्यों किसी वजह से ये जा नहीं पा रहा है। हाँ चलो चला गया। मे भी अपने को एक बार उधर जाना पड़ता है। देखो पहले मैं जा नहीं पा रहा था, तो एक बार आप ट्राई कर लेना, मे भी कोई बग है कोई ग्लिच है, क्योंकि मैं तो देखो जा नहीं पा रहा था, इसलिए मैं एक बार उधर से घूम के आया फिर इधर आया हूँ। तो मैं भी एक बार ऐसे उधर जाना पड़ता है फिर इधर आना पड़ता है। एंड इधर अभी ना बीच में आपको सेंटीपीड टाइप में मिलेंगे, एंड अभी आप अपने हाथ में शॉटगन रखना, क्योंकि आगे अब इससे आगे अपन जाएंगे ना तो सेंटीपीड्स निकल के आते हैं स्नो वाले, एंड थोड़ा सा खतरा रहता है। तो शॉटगन हाथ में लेके रखना अपनी प्राइमल वाली, एंड चलते हैं अब आगे। इधर से अब थोड़ी सी आगे या इधर से स्टार्ट हो जाएंगे आने।
आपको जमीन में दिख जाएगा वैसे जैसे वो आएंगे। अभी तक आया नहीं भाई, क्यों, क्या बात? ये देखो ये आ गया, ये ऐसे निकल के आएंगे आइस वोम, तो इनको मारना ही रहता है। एंड लास्ट में इनकी क्वीन मिली थी, क्वीन की देखो इनकी 1000 हेल्थ है, क्वीन की 12000 के राउंड हेल्थ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्राइमरी शॉट गन एंड अच्छा आर्मर है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं शॉट गन बोल रहा था। अब आगे मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को, तो ठीक है। तो गाइस इधर आपको ना जो फाइनल क्वीन रहती है वो मिलेगी, एंड उसको मारना रहता है, एंड उसके बाद हो जाएगा। एंड वही छोटी बॉस है, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ चैलेंजेस कुछ नहीं है भाई, कोई चैलेंज नहीं है। ये इधर डायनो मरे पड़े हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता ये इधर आए कैसे हैं। ये देखो ये निकल के आएगी, अभी वन शॉट की 27,000 हेल्थ रहती है इसकी, कुछ भी हेल्थ नहीं रहती। एंड इससे अपने को ये मिलता है, एक तो ये ट्रॉफी मिलती है, कुछ हॉर्न मिलते हैं, थोड़े बहुत एलिमेंट मिलते हैं अपने को, क्योंकि बॉस रहता है एक टाइप का ये। एंड जितने भी ये ड्रॉप है इन सभी ड्रॉप्स में कुछ लूट नहीं मिलेगी आपको, एकदम बकवास लूट मिलती है इन ड्रॉप में एकदम, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। मैं तो इनको खोल के भी नहीं देखता, क्योंकि इससे अच्छी लूट है अपने पास, इसलिए वर्थ इट नहीं है भाई। आप देख सकते हो मेरे को तो इनमें कुछ खास लूट मिलती नहीं है, कचरा मिलता है सब कुछ। एंड इसमें आपको ये मेगा पिथिकस की थोड़ी बहुत तो स्टैचू वगैरह दिख जाते हैं, ये देखो मेगा पिथिकस का जैसे अपना जो बॉस बैठे अरीना में रहता वैसा ही कुछ है ये। बाकी ठीक है, तो अभी अंदर जाना अपने को, अभी इधर कोई भी खतरा नहीं है। देखो इधर अंदर जाके, एंड अंदर ना आपको एक गीगा मिलेगा, गीगा आपने बिल्कुल सही सुना, गीगा मिलेगा आपको अंदर आर्टिफैक्ट के पास। बट घबराने की बात नहीं है, ये गीगा इधर पता नहीं मरा हुआ है कि क्या सीन है इसका, कुछ नहीं कहेगा। देखो वैसे तो ये जिंदा है बट ये अनकॉन्शियस आई थिंक सो, एंड इस पर बुलेट भी नहीं लगती है, देखो घायल है मेरे हिसाब से तो। ये देखो कि डैमेज है, ये इसने मारा आई थिंक, ये जो अपनी क्वीन रहती है ना, इसकी क्वीन रहती है केव की, उसने मारा है गीगा को, एंड मरा नहीं है बट अनकॉन्शियस। एंड ये देखो ये उसके बच्चे हैं जो छोटे छोटे बाहर निकलते हैं, बच्चे अंडे कुछ भी समझ लो। एंड इस केव में अपने को मिलता है आर्टिफैक्ट ऑफ द पैक, बट सैडली इस केव के अंदर अपन टेलीपोर्ट नहीं लगा सकते, हर बार इसको केव को कंप्लीट रन करना पड़ता है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा कम ही आता हूँ इस केव में। नॉर्मल जितने जिसमें अपने को आर्टिफैक्ट ऑफ द वो मिलता है ना, आर्टिफैक्ट ऑफ द ब्रूट मिलता है ना, उसमें जाता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें, क्योंकि गाइस मिलता नहीं है कुछ भी, इतना ज़्यादा लंबा चलना पड़ता है केव में, दैट्स वाई। बट मैंने आपको ये लोकेशन बता दी है केव की, कि इधर ये केव रहती है, एंड इसमें आके आप अपना आर्टिफैक्ट लेके जा सकते हो, आर्टिफैक्ट ऑफ द पैक। ईजी है, अगर आप प्राइमल फियर खेलते हो तो आपकी ये चाइल्ड प्ले है, ठीक है। तो फिर आई थिंक सो गाइज आज की वीडियो के ये इतना ही, तो ठीक है गाइस आज की वीडियो के बस फिर इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।